हम लोग हमारी ड्यूटी में हम लोग जिस तरह से ड्यूटी हमको करना है उस तरह से हम करते हैं क्या, वो बताओ। वही तो बोल रहा हूँ ना, तो उसमें हमको, उसमें हमको क्या करना चाहिए। अभी आप ड्यूटी कर रहे हो बराबर, ड्यूटी गेट पे बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी निकल जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, मगर हम छेड़ते नहीं है। हम लोग जब तक छेड़ते नहीं है तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन है बंदा। हमको सारी चीजें, हम किसी को भी अंदर छोड़ते हैं तो गलत काम कर सकता है और फिर जा भी सकता है। हम लोग एक पुलिस की तरह है, ये हम लोग ड्यूटी जो कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, हम लोग पुलिस की तरह है, मगर पुलिस की तरह हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते। हम लोग रोकने के लिए, गुना गुना जब घटता है, यानी कोई भी अभी चलो चोरी हुई, डाका डाला, कोई दारू पी के दंगा मस्ती किया, हम इस चीजों होने के बाद हम पुलिस में जाते हैं बराबर कि नहीं, कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। उसके पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, चोरी होती है तो ऐसे आदमी को अंदर नहीं लेना चाहिए, उसको पहले ही रोको। अभी देखो कोई भी मजबूरी में चोरी कर लेता है, कोई मजबूरी में किसी का किसी को तकलीफ देता है मजबूरी में। चलो अभी कल ही एक ये था, यहाँ पे पार्किंग का बंदा था, गार्ड था, पार्किंग का लड़का था, तो 4-5 साल से वो काम कर रहा था यहाँ पे, उसको नौकरी नहीं मिली बराबर है, नौकरी नहीं मिली तो उसने गुस्सा निकाल दिया, किसी गाड़ी को, गाँव वाले की गाड़ी को उसने स्क्रैच कर दिया बराबर है। क्या इसलिए कर दिया कि वो दुश्मनी बन गई। अच्छा लड़का था, हमको मालूम था ये अच्छा लड़का है, मगर वो उसको काम नहीं मिला, काम उसको दूसरी जगह पे दे रहे थे, मगर वो नहीं गया, मुझे यही चाहिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा आराम है, कोई बोलने वाला नहीं, सब लोग नमस्कार करेंगे तो 4 पैसा कुछ दे देते। तो ये सब चीज़ें होती है, आदमी के चेहरे पे लिखा नहीं किए कुछ गलत काम करेगा, मगर उसने गलत काम किया, गलत काम किया। हमारा कैमरा चालू नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको ढूंढ के निकाला। कैसे निकाला, मैंने स्टडी किया, अभ्यास किया। हम लोग क्या करेंगे, जिसका नुकसान होता है तो कितना नुकसान हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया, कलर का पेंट निकल गया, ऐसा वो 4 साल से एक खरोज नहीं गाड़ी को आया, उसके गाड़ी को एक भी खरोज नहीं आया, ऐसे ऐसे गाड़ी को उसने स्क्रैच कर दिया, क्योंकि उस किसी के किसी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए, और उसके ऊपर इल्ज़ाम आने के बाद क्या होगा, इनको सबक मिलेगा, हाँ मेरे को काम पे नहीं लिया तो ये। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती है अगर सिक्योरिटी जागरूक रहेगा। सिक्योरिटी जागरूक रहेगा, ये आदमी यहाँ पे, वो आदमी वहाँ पे, वो आदमी वहाँ पे, ये आदमी वहाँ पे, वो आदमी, कोई भी आदमी हम लोग अंदर छोड़ते हैं, अंदर छोड़ते इसका मतलब ये नहीं है, अभी देखो वो वहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, वो वहाँ से आ रही है, मगर ये काम जो भी आ रहा है ये तो पंचिंग करने के लिए, ये आए बैग रखने के लिए, वो आया यूनिफॉर्म चेंज करने को गया, ये आप लिख रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये चीज हम लोग देखते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, वो आ गया वो तो आएगा और जाएगा। उसने भी क्या किया, फोन पे बात करता है, करते करते अपना किसी को पता नहीं चलेगा कैमरे में कि चलो ऐसे गाड़ी यहाँ पे है, गाड़ी यहाँ पे है, चलो फोन पे बात कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा करके हेलो 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 बोल के उसने गाड़ी को यहाँ पे स्क्रैचेस किया बराबर, स्क्रैचेस किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ध्यान कैसे होना चाहिए, फिर यह आदमी कुछ भी कर सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, वो भी आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने अंदर छोड़ने के बाद कोई भी आदमी कुछ कर सकता है, गलत काम कर सकता है, तो हर आदमी की तरफ नजर जाना चाहिए हमारी। ये जब घटना घटती है, समझ गया, घटना घटती है तब हम लोग पछताते हैं कि घटना घट गई, अभी क्या करना है, पुलिस में FIR करो, पुलिस खोजेगी क्या, हाँ नुकसान किसका हो गया, गाड़ी वाले का हो गया, हाँ मैं था वहाँ पे, मैंने देखा, हमारा सिस्टम चालू है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने
अपना दिमाग लगाया और ढूंढ निकाला, उसको बुलाया। वो परेशान आदमी था, परेशान आत्मा था। परेशान आत्मा को अंदर आए तो हमारे लिए तकलीफ है। मैंने बोला उसको, तुम कैमरे में दिख रहे हो, ये गाड़ी है और ये गाड़ी है, आप जगह पे है, वहाँ पे एक गाड़ी लगी है और यहाँ पे एक गाड़ी लगी, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। अगर मुझे चलना है तो गाड़ी को घसीट के चलूँगा क्या? तो ये मैं दिमाग लगाया। वो यहाँ से वो जाना चाहिए आदमी, किसी को अगर इधर से क्रॉस करना है तो बीच में से जाएगा क्या, घसीट के जाएगा? अगर घसीट बीच में से जाके ऐसा करेगा क्या? नहीं, तो छुप के करेगा। तो ये छुपना हो गया, गाड़ी को घसीट रही। तो ऐसे दिमाग से हमको देखना चाहिए कि आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या घूम रहा है। कोई किसी का आईना चुराएगा, कोई किसी का पेट्रोल चुराएगा, बहुत सारे घटनाएं घटती है। लेकिन घटती है तब परेशानी हो जाती है, तो सिक्योरिटी क्या कर रहा है? नहीं, सिक्योरिटी क्या देखेगा, क्या क्या देखेगा, ये आप सवाल करोगे। मैं क्या क्या देखूं, मैं तो यहीं पे हूं, लेकिन मैं छोड़ता हूं ना किसी को। तो ये चीज हमारे से नहीं होना चाहिए, हम किसको छोड़ते हैं। पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। अगर अभी कल का कहानी है, अभी मैंने उसको पकड़ लिया तो ये यहां से भी गया, मैंने स्टडी किया, यहां से अगर मैं देखता हूं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिक्योरिटी है तो वो देख लेगा मुझे। वो डर था उसको, इसलिए ये इतना पोर्शन को उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने हाथ नहीं लगाया। फिर बाद में यहाँ पे पिलर आया, छुप के यहाँ से किया। तो ये कहानी मैंने सब पूरा बता दी कि तू ऐसा आया और इधर से तू इधर गया, ये सब दिखता है। अगर तू घसीट के नहीं गया तो ये तो मैं पंच किया ना मैंने उसको, तब जाके उसने मुंह से उगल दिया, हाँ मैंने किया, मैंने दिमाग, मेरा ठिकाना नहीं था बराबर, मैंने किया। तो ये चीजें मेरी पूछताछ, क्राइम होने से पहले सिक्योरिटी गार्ड को, क्राइम होने से पहले, यानी जो अभी आदमी है वो कल अच्छा हो सकता था, यहाँ के लिए आज काम कर सकता था, लेकिन चार लोगों के सामने बदनाम होगा। क्यों? उसको हम लोग अगर पहले ही रोकते थे तो बदनाम होने से बचता था। अगर उसके सामने मैं अगर नहीं है, उसके सामने अगर मैं नहीं हूँ तो उसका पता चलता था क्या? उसने कांड किया तो किसके ऊपर इल्ज़ाम आता था? सिक्योरिटी के ऊपर आता, किसका ध्यान नहीं पार्किंग वाले के ऊपर। उसका कहना यह था कि वो पार्किंग वाले के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए और पार्किंग वाले को सबक मिले। ऐसा कोई अगर सिक्योरिटी में अगर करे तो क्या होगा? ऐसे आदमी 10-12 आदमी अगर मॉल में है सिक्योरिटी को बदनाम करने के लिए, कोई दूसरा एजेंसी वाला आएगा, ये साला पकड़ के बैठा है सिक्योरिटी, अभी मैं आ जाता हूँ इनको क्या करता हूँ, या छोटा मोटा चोरी करता हूँ, सिक्योरिटी का ध्यान नहीं है, उनको बता देता हूँ। ऐसा कोई करेगा तो? करते हैं ऐसा लोग। तो इसके लिए हमको सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी घटनाएं घट सकती है, मगर हम लोग अलर्ट रहेंगे तो। अभी देखो आप लोग कुछ बोलेंगे, आपके यहाँ पे क्या क्या होता है गेट पे, हम लोग गेट के ऊपर है, वहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग करने के लिए आते हैं। मैं कब कैसे काम करूँगा तब काम हो जाता है। अभी आप बताओ, थोड़ा ये नीचे करो और बताओ मुझे, आप कैसे काम करेंगे तो काम हो जाता है, और कैसे नहीं करेंगे तो काम हो जाता है, काम नहीं होता है। नहीं, अभी तक मैंने जो कहा वो हिसाब से काम करेंगे तो हो जाता है, या आप के हिसाब से काम करेंगे तो हो जाता है, कैसे हो जाता है? आप जैसा बता रहे हो वैसा होना। नहीं, आप पहले कैसे कर रहे थे? मैं पहले अपनी पहले की कहानी बताओ। जैसे ये लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मेरा रोकना पड़ जाए कोई अगर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कैसे हो जाता था, कोई सुनता था क्या नहीं था, कोई सिगरेट स्मोकिंग करके क्या क्या करते थे और मैं रोक नहीं पाता था, पाता था कि नहीं पाता था। ऐसे कुछ लोगों को समझाते थे तो लोग समझते भी नहीं थे उसमें। हाँ, फिर उन लोगों को समझाया जाता है कि हम लोगों को ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है। नहीं, आप गेट पे रहते हो बराबर है, एकदम कॉर्नर के गेट पे, कैंटीन उससे भी कितना फुट लंबा है, गेट से कैंटीन कितना फुट लंबा है? 30-35 फुट लंबा है गेट से। फिर भी मेरा अगर ध्यान जाता है
तो मुझे दिख रहा है वो गलत हो रहा है। मैं वही से ऑर्डर दूं तो मेरी ताकत इतनी बड़ी है क्या? नहीं ना कि वो सुने। पर तो मुझे क्या करना है, चार कदम चल के आना है कि नहीं? चार कदम मैं अगर चल के आऊंगा उसके सामने जाऊंगा तो अगर मैं चिल्लाऊंगा तो उधर से उधर भागेगा क्या? अंदर हो जाएगा। अरे मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे चिल्लाने के ऊपर और तुम्हारे चिल्लाने के ऊपर फर्क है कि नहीं? कुछ बहुत फर्क है कि नहीं? मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगा तो वहां से वो भाग जाएंगे। फिर आप क्या बताते हो, वो साहब आ गया देखो, बोलते हो कि नहीं? हाँ, फिर हमको डांटेंगे, क्या करेंगे? तो ये चीजें ऐसी है, अगर मैं अगर रोकना चाहूंगा तो रोक सकता हूँ, मैं कार्रवाई करना चाहूंगा तो। आप क्या, आपका थिंकिंग क्या है? निगेटिव है, निगेटिव। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हैं? अरे इनको बार बार कितना बार बार बोलूं तो भी वो सुनते नहीं है, यही सोचते हो ना आप? पहले से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग किसी को खड़ा होने को भी नहीं देते। क्या करते हैं हम लोग? किसी को खड़े होने भी नहीं देते। अभी हम लोग चार कदम, पांच कदम, 30 फुट हम लोग उस जगह पे जाते हैं। उस जगह पे जाके हम उनको कहते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद में आपको वो छुपके से आपको उनको सिगरेट पीना है तो कॉर्नर में आ जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको मेहनत कितनी करनी है, मेहनत कितनी करनी है, उसके पास जाके देखना है कि चुपके से करता है कि नहीं। तो मुझे मेहनत बहुत करना है, अगर उसको रोकना है तो मुझे बहुत मेहनत करना है, उसके पास चले जाना है। ऐसे बैठे रह के हम लोग काम कर सकते हैं क्या? तुम बैठे रहो वहां पे, वो सिगरेट पीने वाला सुनेगा क्या तुम्हारा? कोई गलत आदमी गाड़ी के ऊपर बैठ के अपना आईना घुमा रहा है, बैठे बैठे नहीं फोन पे बात करते करते कोई सीट पे भी हो उंगली डाल के उसके अंदर का कापूस निकाल दे, स्पंज निकाल दे, ऐसे भी रहते हैं ना। कोई बैठे बैठे वो आईना भी हिलाते रहते, आईना निकालना नहीं है लेकिन चीज़ों को बात करते करते चीज़ों को खराब भी कर देते हैं, पता नहीं चलता उनको अपने, उनका फोकस क्या रहता है, फोन पे बात करना और इधर हाथ अपना हिल रहे हैं कैसा कुछ ना कुछ। तो ये चीजें होती है, ये घटनाएं घटती है, तो उसके लिए हमको कैसा ड्यूटी करना चाहिए? अभी ये चार कदम मैं चल रहा हूँ तो यहाँ से मैं वहां तक जा रहा हूँ तो मुझे वहां का दिख रहा है। अभी आप 30 फुट वहां पे जाओगे तो 30 फुट से यहाँ से पूरा दीवार है, बराबर है, ये कैंटिंग है, ये पूरा दीवार है। यहाँ से आप इधर तक जाओगे और यहाँ से आगे जाओगे तो आपको इधर का भी दिखेगा। मगर हम लोग इतना मेहनत करते हैं क्या? नहीं करते हैं हम लोग। जब 10 बार डांटूंगा तब करने को जाओगे या तो मेरे सामने करने को जाओगे, लेकिन आप करोगे तो फायदा किसका होगा? हमारी ड्यूटी बराबर परफेक्ट हो रही है, ये होगा बराबर कि नहीं? चार कदम चलो और हमारा एम, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देखो अभी आपको मालूम तो रहेगा सर, अभी देखो मैं जा नहीं रहा हूँ मगर मैं सोच रहा हूँ वो हिसाब से कि वो उधर आया भी रहेगा और उधर से पीता भी रहेगा। आपको मालूम है, खबर है कि बाबा ये हमेशा ये टाइम पे आता है, ये टाइम पे करते चले जाते हैं, मगर हम लोग को खबर है अभी कौन कभी आएगा, साहब कभी आएगा, सर ऐसा आएगा ऐसा जाएगा, बस खबर है, आंखों से दिखता है। मगर दो कदम हम लोग नहीं चलते, दो कदम चलना हम यानी उस जगह पे चलना, उस जगह पे रहना, उस जगह पे ये करना, ये सब हम लोग अगर करेंगे ना, हम लोग जाएंगे तो होगा, हम लोग डांटेंगे तो होगा। किसको कैसे डांटना है? माफ कीजिए सर, आवाज चाहिए सर, यहाँ पे अलाउड नहीं है, ऐसे सुनने वाले में नहीं होता है। किसको आवाज करके चिल्लाना है, एक्सक्यूज मी, किसको बोलना है जोर से, लंबे से बोलना है, इधर देखना उधर देखना, यहाँ पे कोई सिगरेट नहीं पिएगा, यहाँ पे कोई तंबाकू खाके नहीं रहेगा, तंबाकू खाके थूकेगा नहीं, यहाँ पे कोई गाड़ी पे बैठेगा नहीं, ये चीज जोर से बोलेंगे। किसको बोल रहा है नहीं मालूम, सबको बोला जा रहा है, सबको बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, यहाँ के कोई वेटिंग करेगा नहीं, कोई किसी को वेट करना है तो आप पार्किंग गाड़ी के ऊपर, गाड़ी आपकी भी रहे तो गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करने के अलाउड है, गाड़ी के ऊपर बैठना अलाउड नहीं है, गाड़ी पे वहाँ पे बैठ के सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, वहाँ पे चाय पीना अलाउड नहीं है, ये सब चीजें किसको बोला जाता है? हम लोग किसी एक पर्सनली को बोलना नहीं है। जब जैसे मैं आता हूँ
जैसे मैं आता हूं आपको ये डायलॉग मानना है, आप यहाँ पे कोई सिगरेट नहीं पिएगा, किसी को देखो मत या ये करो मत, यहाँ पे कोई चाय नहीं पिएगा, यहाँ से चाय लेगा और बाहर पिएगा, यहाँ से सिगरेट लेगा बाहर पिएगा, ये मुंह से बोलना है। जैसे मदारी खेल करता है ना, वो किसको संबोध रहा है, सबको संबोध रहा है, किसी एक को नहीं बोलता है कि नहीं। जैसे हमको ये बोलना है डायलॉग, किसी एक को बोलते हैं तो बोलता है मेरे को ही बोला जाता है, वो सबके लिए होता है। तो ये मैं अगर मैं चलते चलते बोलूंगा, सिटी मारूंगा, ध्यान आ गया, बढ़ गया उसका, सब लोग का, यहाँ पे कोई सिगरेट पिएगा नहीं, सिगरेट पीना अलाउड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं, यहाँ पे खड़े रहना अलाउड नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की जगह है, पार्किंग में गाड़ी लगाया जाएगा और आप लोग गेट के बाहर, नहीं तो जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ खड़े रहना अलाउड नहीं है। ये चीज हम लोग अगर बोलेंगे मुंह से सबको सुनाई, 10 आदमी 20 आदमी सबको सुनाई देगा, इतने आवाज से अगर हम लोग बोलेंगे तो। मैं आता हूँ तो क्या करता हूँ, चिल्लाता हूँ, बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ ताकि सबके कानों में मेरी आवाज़ सुनाई दे और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। कब बोलते हैं हम लोग जा रहे हैं, जब उनके कानों में आवाज मेरी पहुंचती है तब बोलते हैं। अगर आप इसी तरह बोलोगे, काम करने का एक तरीका रहता है, काम करने का एक तरीका रहता है कि नहीं। हम लोग बोलेंगे तो होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। हम लोग झिझकते हैं, हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं हमारे पास, करेजियस हाड़स नहीं है हमारे पास। हम जब झगड़ा करते तब हम लोग अपना आवाज मुंह खोलते, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, आप ये इसको ये समझता नहीं, उसको वो नहीं समझता, ये बोलने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास करेजियस है, धाड़स है, अभी तक पगार नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे लेकिन हम लोग को देखो, हम लोग क्या कर रहे, काम कर रहे कि नहीं कर रहे, किस तरह से काम कर रहे, क्या सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लिया हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बन गए, यूनिफॉर्म हमने पहना, वर्दी पहनी, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बन गए क्या, कोई आता है तो हम लोग इस तरह से गुड मॉर्निंग सर या ऐसे बोलते नहीं, बोलते ऐसे गेट पकड़ के रहते, कोई आ रहा है सामने, साहब आ रहा है तो साहब को गेट खोलो तुरंत और फिर बाद में साहब को सलूट करो, जय हिंद सर, आवाज बंद, दरवाजे से गाड़ी के अंदर आवाज पहुंचनी चाहिए, इतनी हमारी आवाज है, तब ये सिक्योरिटी गार्ड बन गए हम लोग। नहीं तो चलो वर्दी पहनो, जाओ वहां पे खड़े हो जाओ, वहां पे बैठ जाओ, वो कुर्सी है वहां पे ड्यूटी करो, क्या ड्यूटी करो मालूम नहीं हमको। हम किसके लिए काम करते हैं, मालिक के लिए काम करते, तब मालिक जाके वो खुश होके हमको पगार देगा। नाम के लिए हम लोग काम करते हैं इसलिए मालिक खुश नहीं है, बराबर कि नहीं। मालिक हो या कोई भी हो, वहां से कोई गुजरता है, वहां से कोई आता है, तब हमको उसको पहले सम्मान करना चाहिए, अगर पहचान का नहीं है तो उसकी पूछताछ करना चाहिए, हम किसको छोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती है, हमको मालूम है, कोई एक कर भी सकता है, वो भी कर सकता है, तो इसके लिए हमारा ड्यूटी पहरेदारी की तरह होना चाहिए, ये कौन जा रहा है, वो कौन आ रहा है, ये सब चीजें अगर मैं ड्यूटी करूं उस हिसाब से सोचूं तो मैं किसी को रोकू, तो मैं किसी की पूछताछ करूं तो मुझे पता चलेगा। अभी एविडेंस क्या था कल के, इसमें हमने किसी को रोका नहीं, वो गए 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 बस झूल रहे थे, हमको आंखों से दिखाया। मैंने अभी तक बहुत सारे चीजें नोट किया है, हम लोग देखते हैं, बराबर कि नहीं। अभी चलो बिना देखे मैंने देखा अभी इसमें क्या है, एक गाड़ी गई, एक गाड़ी का नंबर ये था, चलो मेरे में दम नहीं है, कोई बड़े लोग है तो मैं कम से कम गाड़ी का नोट तो करूंगा, बराबर। गाड़ी का नंबर ये होता है कि ये गाड़ी इस जगह पे आई थी, हमेशा आती है तो मैं इसको पकड़ूंगा, हाँ सर कल रात में आप फुल टाइट थे, है कि नहीं, यहाँ से निकल गए, तो ये मेरे को एक आदमी मिल गया कि ये ऑफिस की गाड़ी ये थी और ऐसे ऐसे दंगा मसी होते हैं, ये ऑफिस के लिए मैं जाऊँगा, आप नहीं जाओगे। आपने खबर दी, आपने खबर खाली सिर्फ क्या दी,
वो झूल रहे थे, पता नहीं चला कि वो कहाँ